सर, मत कर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो आपकी पेंशन अटकी पड़ी है ना? जी, कितनी पेंशन है आपकी? यही पिछले महीनों का मिलाकर 50,000। 50,000? अच्छा, देखिए मैं आपकी पेंशन बना दूंगा। जी मेहरबानी। बस यही है कि मतलब उसके लिए आपको मुझे 10,000 रुपये बस देने होंगे। और ये बिल्कुल गलत बात है। पिछले 6 महीने से मेरी पेंशन अटका के रखी है। मेरे बीमार बेटे का इलाज कराने तक का पैसा नहीं है मेरे पास, और अब तुम मुझसे रिश्वत मांग रहे हो। तो अब आप हमें बताएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जाओ, नहीं देता तुम्हारी पेंशन, जो करना कर लो। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माता जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जयराम जी की। हाँ जी माता जी, हैं? आपको चैन नहीं पड़ती है क्या? आप ये जेंटलमैन उठा के ले आई साथ? सर प्लीज, इनके पैसे दे दीजिए आज। ये बहुत टाइम से यहाँ पे आ रही हैं। तुम कौन हो भाई? घड़ा चौधरी बन रहा तू? सर बाय प्रोफेशन तो मैं डॉक्टर हूँ, पर इनका पड़ोसी भी हूँ। आज इनके सपोर्ट के लाया हूँ। 6 महीने से ये धक्के खा रही हैं, प्लीज इनके पैसे दे दीजिए। इनके पेपर ठीक नहीं। आप ऐसे नहीं मानोगे। हाँ तो तू मंत्री का बेटा है, हैं? जागीरदार है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, समझी? हाँ जी सर। हाँ मैं ही ऑफिस में आ गया हूँ। हाँ, इनसे जरा बात कर लीजिए। लाओ बात करा दो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर। जी सर, नमस्कार सर। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। हाँ नहीं सर, क्लियर पड़ा सर। हाँ जी सर, ठीक है सर। माता जी, मिल गई कलेजे को ठंडक, कर दी ऊपर तक कंप्लेन। अब देखो मैं क्या करता हूं, आपको भुगतना पड़ेगा। गलत आदमी से उलझ गई हैं। यहां साइन। सर अगर आप अपना काम ठीक से करते तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा अरे क्या हुआ? इसमें तो 20,000 रुपए कम है। कम? चलिए वापस। अरे मंगवा लीजिए भाई, मंगवा लीजिए। सर ये इसमें पैसे कम है। पैसे कम है का क्या मतलब? मतलब इसमें 20,000 रुपए कम है। ये देखो, ये अभी फाइल नहीं पड़ी है। साइन किसका है? साइन तो मेरे हैं, लेकिन इसमें। लेकिन क्या? इसमें लेकिन क्या? लेकिन क्या? देखिए माता जी, ऐसा है, आप अपनी अभिनय की पराकाष्ठा बाहर ले जाकर के कीजिए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। जैसे तुम मुझे मेरे पैसों के लिए भीख मंगवा रहे हो ना, एक दिन भगवान भी तेरे साथ यही करेगा, तुम देख लेना। जो करना है आपको और इनको भाई साहब, वहां बाहर जाकर के कीजिए। दरवाजा उधर। हेलो 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 सुशील, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, कपिल अचानक से बेहोश हो गया है। क्या? हाँ। और कैसे? पता नहीं, तुम बस जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी सर, मैं सर। आप सर? आप हो कपिल के फादर? हाँ जी सर, मैं ही हूँ। ओके, देखिए उसको एक रेयर डिसीज हो गई और प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगेंगे। सर
मतलब मैं सर सरकारी नौकर हूँ सर, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा सर मैं? वो मैं समझ सकता हूँ, बट बीमारी काफी रह रहे है और इतना खर्चा हो ही जाएगा। सर मेरे गुनाहों की सजा सर मेरे बच्चे को मत दीजिए। देखिए हमसे जो हो सकता है हम वो करेंगे, बट पैसे कम नहीं हो पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। एज अ डॉक्टर मुझे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, बट उल्टे तरीके से कमाए हुए पैसे कभी किसी के सामने आए। आई एम सॉरी टू से दिस। हाँ राजेश, राजेश भाई सुशील बात कर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है यार, प्लीज हेल्प कर भाई। मैं तेरे अरे आप यहाँ। माता जी नमस्ते। नमस्ते, ये लीजिए आपके 20,000 रुपए जो मैंने आपको धोखा देकर अपने पास रख लिए थे। मुझे माफ कर दीजिए माता जी, पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मैंने न जाने आप जैसे लोगों के कितने पैसे मार लिए। मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं। शायद मेरे कुकर्मों की सजा भगवान मेरे बच्चे को दे। क्यों क्यों क्या हुआ? उसे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके लिए मुझे मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत। देखिए आप ऐसे रोइए मत, ये पैसे ना आप ही रख लीजिए, इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। नहीं नहीं माता जी, बेटे के इलाज के लिए पैसे ना होने का दर्द इसे मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने आपके साथ न जाने कितना अत्याचार किया, पर आप अभी भी मेरी मदद करने के लिए तैयार। देखो बेटा, इस दुनिया में हम जो भी करते हैं ना, वो एक ना एक दिन हमारे पास लौट के जरूर आता है। और ये पैसे ना उधार समझ के रख लो, बाद में लौटा देना, ठीक है? आप बच्चे के लिए इतना। In today's world, it's okay to see our own profits. But in the process, if we are hurting someone and creating problems for somebody, then usually it's called corruption. Try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.